पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर रही है और एक महीने के एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को 1 करोड़ रुपए एक वार्ड को साफ सफाई की व्यवस्था के लिए दे रही है। यानी कि एक वार्ड पे एक साल में 12 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्राइवेट कंपनी को देने वाली है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली के 272 वार्डों को ये भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों निगम आने वाले समय में सफाई व्यवस्था का पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो बिल्कुल वही होगा जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ वहाँ दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, आदिवासियों का शोषण हुआ है। जो सफाई व्यवस्था में या 4th क्लास की जो नौकरियाँ हमारे लोगों को मिल जाया करती थी वो नौकरियाँ हमारे लोगों के हाथ से छिन जाएंगी। तो इसीलिए पूरे देश के अंदर जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो जाति और धर्म की राजनीति का लोगों में घृणा पैदा करने का वातावरण बनाया है और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने का, बेचने का काम शुरू किया है। इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट्स को बेचना शुरू कर दिया, एक एक करके ONGC जैसे संगठन जो फ़ायदा दिया करते थे उन सब को बेचने का काम चल रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इन सबको बेचने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर ये निगम का एक वार्ड को प्राइवेटाइज करने के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे निगम को ये प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारे लोगों का नौकरियों में आना बंद हो जाएगा। और ठेकेदार जिस तरह एम्प्लॉयज़ का शोषण करता है, फिर सफाई कर्मचारियों का, तमाम अन्य जो 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं और यहाँ तक कि क्लैरिकल लेवल पर जो लोग काम करते हैं, ये सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। इनका शोषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो लोग आज जिनकी ईमानदारी से तनख्वाह रेगुलर नौकरी में 50,000 के आसपास है वो तनख्वाहें उसके बाद उनको केवल 8-10 हज़ार में काम करना पड़ेगा। और आज अगर 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है उसके बाद वो 12-12, 14-14 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। तो ये ठेकेदारी प्रथा दलितों के, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने वाली प्रथा है, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। आज अगर हम निगम को इसको करने से रोकते हैं तो दिल्ली से शुरुआत होगी, दिल्ली के सरकार के भी मुकाम में शुरुआत होगी, पूरे देश के अंदर इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों के, गरीब लोगों के हक अधिकार को हम लोग किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे। ये कभी इसका अगर परीक्षण करना हो तो जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तब तीनों निगम को कांग्रेस, ये सरकार कितना पैसा दिया करती थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, LG के थ्रू दिल्ली का शासन चला। उस दिल्ली के LG के शासन में तीनों निगमों को दिल्ली की उस सरकार ने उस वक्त कितना पैसा दिया जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा था, पेश किया था। उसके बाद जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की, तब से हर साल हम कितना तीनों निगमों को पैसा दे रहे हैं। 3 गुना पैसे देने के बावजूद अगर निगम के कर्मचारियों को, निगम के अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, टीचर्स को अगर सैलरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला BJP शासित निगम कर रही है। और वो पैसा जा कहाँ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। जो दिल्ली की सरकार फंड देती है BJP को, वो निगम को, वो पैसा कहाँ जा रहा है। पहले जितना पैसा उस वक्त की सरकार देती थी उससे दुगना तिगना पैसा देने के बाद भी अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, उनकी सैलरीज नहीं मिली है, शर्मनाक है। इनकी जांच होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाए और उसके बाद निगम का पैसा कहाँ जा रहा है इसकी जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सच सामने आ सके। और ये जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की, आदिवासी वर्ग की जो शोषण हो रहा है, अब हम लोग इसको और ज़्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सर्विस मैटर अभी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी भी LG के थ्रू सर्विस डिपार्टमेंट LG के हाथ में है, लेकिन सारे विभागों में ये सर्विस डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहा है। और जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ वहाँ सब जगह हमारे लोगों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़े वर्ग के, जो मजदूर तबका है, उनके अधिकार मारे जा रहे हैं। उनके हक अधिकार अब जिस तरह मारे जा रहे हैं, जिस आदमी को 25,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए वो आदमी 8-7 हज़ार में काम करने के लिए मजबूर है। पैसे मांगता है, अपनी पूरी तनख्वाह मांगता है तो नौकरी से निकाल देते हैं ठेकेदार। तो मुझे लगता है ठेकेदारी प्रथा जो है ये गुलामगिरी को वापस लाने वाली प्रथा है। इस प्रथा के खिलाफ अब पूरे देश में हमें लड़ना पड़ेगा।